Today we'll discuss the topic ionization enthalpy. That is the next topic of chapter classification of elements and periodicity in properties. But before this topic, if you have not seen the previous topic regarding the atomic radii, तो बेटा उनको पहले देखिए. Otherwise ये topic आपको you will face a lot of problem in the you can say understanding of ionization enthalpy. So just I'll start the topic. What is the meaning of ionization enthalpy? Just see out. Suppose this is an atom I am drawing. This is the first shell containing the two electrons, second shell containing one electron, first shell, second shell. So out of these three electrons, this electron is, you can say, the outermost electron. Clear? इसका जो nucleus से distance है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो इस electron पर जो nucleus का force of attraction होगा, the force of attraction on it by the nucleus is less. Clear to all of you? दो चीजें. तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कह सकते हैं? वी विल से इट एज मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा, दैट एनर्जी सप्लाइड इज सेट टू बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसमें दो टर्म्स और आएंगी. फर्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब बेटा इसमें दो टर्म आई हैं, आइसोलेटेड एटम और गैसियस एटम. कि एटम आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए. तो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या चीज है. सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम. जस्ट सी वॉट इज द सिग्निफिकेंस. सो बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहली चीज आइसोलेटेड. सपोज ये दो एटम्स हैं बेटा, ठीक है? अब क्या होगा? दीज टू आर बॉन्डेड एटम्स. बॉन्डेड है, बॉन्डेड आर यू कैन से कि इस एटम की सराउंडिंग में ये है. सो दीज एटम्स आर नाउ नॉन आइसोलेटेड. नॉन आइसोलेटेड एटम की वजह से क्या होगा? इन दोनों एटम्स में क्या होगा? देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इनमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, देन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो फिर से समझिए, अगर आपका एटम आइसोलेटेड नहीं है, उसके साथ और एटम्स भी हैं, जैसे यहाँ दो एटम्स हो गए, सपोज और एटम्स हो जाएं, ठीक है? सो क्या होगा? इन दैट केस एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ड्यू टू विच उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है? ये तो एक बात हुई, ठीक है? अब ये तो सिग्निफिकेंस हुआ कि एटम आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड एटम क्या होगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी किसी दूसरे एटम की, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव होगा. तो पहला मैं इसका मीनिंग लिखता हूं कि यहां पर रीजन हम बेटा यहां पर नोट करेंगे. फर्स्ट, आइसोलेटेड एटम, गैसेस पे थोड़ी देर में आऊंगा, आइसोलेटेड एटम हैज लेस और यू कैन से नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑब्वियसली जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बात आते हैं सेकंड पॉइंट कि गैसियस स्टेट में क्या होता है. देखिए, अब मैं सपोज लेके चलता हूं कि ये हमारा सॉलिड स्टेट में एटम्स है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है. सो गैसियस स्टेट में क्या होगा? इन द गैसियस स्टेट एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज सेट टू बी द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. दिस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज लार्ज, ये काफी बड़ा होगा. ड्यू टू विच आपको पता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन देम विल बी लेस, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, देयर फोर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गैसियस स्टेट का भी क्लियर हुआ, गैसियस स्टेट में व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट देयर इज, यू कैन से लार्ज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ड्यू टू विच देयर इज लेस इंटर एटॉमिक फोर्स। जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स, एंड ऑब्वियसली लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द रीजन इज नाउ क्लियर टू यू। सो बिफोर थोड़ा आगे जाने से पहले, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो सेट टू बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। बट बेटा बी क्लियर, जो टर्म वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं कि व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देयरफॉर द साइन कन्वेंशन इज वेरी क्लियर, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी दीज आर पॉजिटिव, बिकॉज ऑलवेज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एनर्जी आपको रिमूव सॉरी जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। देयरफॉर जो साइन कन्वेंशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नाउ वन मोर टर्म वी विल यूज, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी, अब बेटा अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी सप्लाई की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जो आप पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करोगे फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस इज सिंपली आई विल से मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना, और लिटरली मैं कहूँ कि जो भी डिस्कशन होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, टेक्निकली या इनका सिग्निफिकेंस कीजिए या इनका फिजिकल मीनिंग कहे, वो सेम होता है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यू कैन से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ, इफ आई विल से कि विच हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट ऑलरेडी मीन्स कि विच हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी और विच हैज मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट वी हैव टू रिमेंबर नाउ। सो बिफोर गोइंग टू द डिटेल वन, लेट सी वॉट इज द, और यू कैन से व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इज जूल पर एटम, सिंगल एटम में कैलकुलेट करते हो, फॉर वन मोल जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, यू नो, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन मोल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान करना है कि जो यूनिट्स है वो आपकी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो इनका एक कन्वर्जन फैक्टर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बेटा वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल्स, एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ये थोड़ा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द बेसिक कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। सिंपली है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी सप्लाइड, दैट इज सेट टू बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी और
factors affecting ionization energy और ionization potential. So पहले मैं एक flow chart की help से बताऊंगा कि जो सबसे पहला factor वो आप use करोगे size, और size में आपको main shell देखना है बेटा, inversely proportional to ionization enthalpy. इसके बाद आप देखोगे penetration effect. This factor is directly proportional to ionization enthalpy. After that, stable electronic configuration. This is also directly proportional to ionization enthalpy. After that, nuclear charge. Again, directly proportional to ionization enthalpy. After that, effective nuclear charge. Again, directly proportional to ionization enthalpy. And after it, we will discuss shielding effect and poor shielding effect. So poor shielding effect जो है simple सा logic है, इन factors को एक साथ ही हम study करेंगे, shielding effect को भी और poor shielding effect को भी, ठीक है. So shielding effect जो है it is inversely proportional to ionization enthalpy, और जो sorry shielding effect is inversely proportional to ionization enthalpy, और poor shielding effect जो है बेटा वो directly proportional to ionization enthalpy. ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, दिस इज द नंबर वन फैक्टर, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, और ये है नंबर सेवन. इसी ऑर्डर में आपको काम करना है. सॉरी, ऐसा नहीं करना कि आपने साइज को देखकर अलग स्टेबिलिटी को पहले देखा, ऐसे नहीं, इसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है. सो फर्स्ट फैक्टर है हमारा साइज. बिफोर द फैक्टर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका ये न्यूक्लियस है एंड दिस आर द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, और ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड शेल में है. सो ये इलेक्ट्रॉन मेरे को रिमूव करना है, रिमूव द इलेक्ट्रॉन. अब आपको देखना क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो जो भी फैक्टर आप डिस्कस करोगे, आपको एक चीज देखनी है, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड, इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर. क्लियर? और अगर बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी देन आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस. तो हर फैक्टर इस चीज पे कंसंट्रेटेड रहेगा कि जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है. कम होगी, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा होगी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो जस्ट आई डिस्कस वन बाय वन ईच फैक्टर. सो फर्स्ट फैक्टर इज साइज, और यहां पर बेटा साइज में हमें सिर्फ मेन शेल को देखना है. सो सिंपल आपको बताइए, अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस. देखिए मैं सिंपल करता हूं, ये हम नॉर्मली ये हमने क्या किया, इसमें दो शेल्स हैं इस एटम में, एंड दिस एटम हैज वन टू थ्री, इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, वन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल सेकेंड, इसमें बेटा टू इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, देन सेकेंड शेल हैज एट इलेक्ट्रॉन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, और एक इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड शेल में है. सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मेरे को रिमूव करना है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मेरे को रिमूव करना है. अब देखिए इसमें आपकी टू मेन शेल्स हैं और इसमें आपकी थ्री मेन शेल्स हैं, ठीक है. तो इस एटम का जो साइज है वो स्मॉल है, इस एटम का जो साइज है वो बिग है. सो साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा. यहाँ साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सॉरी साइज लेस में बेटा डिस्टेंस लेस आएगा, जस्ट करेक्ट. यहाँ साइज ज़्यादा है तो डिस्टेंस क्या होगा, मोर. फिर से देखिए, अगर एटम का साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो साइज डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा. सिंपल अंडरस्टैंड है कि अगर डिस्टेंस लेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा. सिमिलर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, एफ ओ ए लेस हो जाएगी बेटा, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस। सो क्लियर इंडिकेशन है, अगर आपका एटम छोटा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। सो शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा इस फैक्टर को, इफ लेस इज द साइज देन मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल लेके चलें बेटा लिथियम वर्सेस सोडियम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उन्हीं की थी, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11। सो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। सो बेटा लिथियम हैज 2 मेन शेल्स, सोडियम हैज 3 मेन शेल्स। सो लिथियम हैज स्मॉल साइज, सोडियम हैज मोर साइज। तो पहला फैक्टर हमारा है साइज में, तो जिसका साइज कम होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सो लिथियम जो है इट हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, बिकॉज आई विल राइट द साइज ऑफ लिथियम इज लेस देन सोडियम। और साइज में सिर्फ कौन सा फैक्टर देखना है, मेन शेल देखना, आपको ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। चलिए नाउ विल शिफ्ट टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, चलिए इसमें क्या होता है, जैसे आउट ऑल ऑफ यू नो कि जो एस सबशेल है बेटा वो सबसे अंदर होती है, देन पी सबशेल, देन डी, देन एफ। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन। ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब कि कौन कितना डीप सिचुएटेड है। सो सबसे डीपली सिचुएटेड एस है तो वो हाईली पेनिट्रेटेड, देन पी, देन डी, देन एफ। सो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन एस, पी, डी और एफ। तो बेटा सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किस पर होगी, एस पे। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड एस है, इट मीन्स इट हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन ऑब्वियसली इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, सो मोर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे कम पेनिट्रेटेड कौन है, एफ इज द लीस्ट पेनिट्रेटेड, सो इसमें क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी कम लगेगी, दैट इज लेस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये फैक्टर कब अप्लाई करना है, जब आप इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सबशेल से निकाल रहे हो, कि भाई एक में इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालना है, एक में पी से निकालना है, ठीक है, या एक में पी से निकालना है, एक में डी से निकालना है। सो हम क्या देखेंगे, कौन कितनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, तो जो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगी उस पर उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल आई राइट, इफ मोर इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसका मीनिंग मोर पेनिट्रेटेड इज द सबशेल, कितनी ज्यादा पेनिट्रेटेड आपकी सबशेल है एटम के अंदर, ठीक है, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट एंड मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो बेटा ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, आपका जो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन है वो क्या है, एस, पी, डी और एफ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस, देन पी, देन डी, देन एफ। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा किस पे लगेगी, एस पे, देन पी, देन डी एंड देन एफ। बट ये फैक्टर अप्लाई कहाँ करना है सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये देखना आपको, मैं क्लियर करता हूँ। जब एक सबशेल तो कम्प्लीटली फिल्ड हो और अगले एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन हो, नेक्स्ट सबशेल में, कि एक में देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली हम और भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि पी 6 दे दिया मैंने आपको और डी 1 दे दिया, यानी एक सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए और दूसरी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब ये फैक्टर आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं सोचूं एक इलेक्ट्रॉन में एस 2 है और दूसरे में पी 2 है तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। कब एप्लीकेबल होगा, एक सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड और दूसरी में एक इलेक्ट्रॉन, देन दिस फैक्टर इज एप्लीकेबल।
सो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड उसका उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट, उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट सी आउट, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम 4 और बोरोन 5। इस एग्जाम्पल को देखिए, तो बेरिलियम की कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और बोरोन की बेटा 1s2 2s2 2p1। अब पहला फैक्टर है साइज में मेन शेल, इसमें भी 2 मेन शेल है और बेटा इसमें भी 2 मेन शेल है, सो मेन शेल वाला फैक्टर खत्म। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2s से निकालना है, यहाँ 2p से निकालना है, सो यू नो 2s इज मोर पेनिट्रेटेड देन 2p, सबसे इंपॉर्टेंट 2s इज मोर पेनिट्रेटेड देन 2p, देयरफॉर पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ बेरिलियम इज मोर देन पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ बोरोन एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो एक तरीके से और आंसर लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन बिकॉज ऑफ मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट इन बेरिलियम, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो 2s इज मोर पेनिट्रेटेड देन 2p, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो ये बेटा आपका सेकेंड फैक्टर, जस्ट सी नाउ थर्ड फैक्टर इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ऑल ऑफ यू नो कि जो आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस होती हैं, ठीक है, दी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ज़्यादा एनर्जी मेरे को लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। सो व्हाट विल आई राइट, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम्स लेस स्टेबल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अब जो सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं लूँ हीलियम, हीलियम की कॉन्फिग्रेशन 1s2 फुलफिल्ड है, स्टेबल है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बेटा ये हो गया HE पॉजिटिव, अब इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या होगी 1s, जो कि हाफ फिल्ड और इसके कंपैरिजन में क्या होगी, लेस स्टेबल देन फुलफिल्ड। सो कभी भी अगर आप किसी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी जो कॉन्फिग्रेशन होगी वो लेस स्टेबल हो जाएगी, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और इसमें भी ध्यान करना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए आप, फुलफिल्ड देन हाफ फिल्ड फिर अदर कॉन्फिग्रेशंस अदर्स। सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा फुलफिल्ड देन हाफ फिल्ड देन बेटा अदर्स, ठीक है। लेट अस सी द एग्जांपल नाउ, आई विल गिव यू सोडियम नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8 मैंने आपको दिया, कॉन्फिग्रेशन नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। चलिए पहले हम अपने फैक्टर के अकॉर्डिंग चलें, नाइट्रोजन में आपकी 2 मेन शेल्स हैं और ऑक्सीजन में भी 2 मेन शेल्स हैं, सो मेन शेल वाला फैक्टर खत्म। नाइट्रोजन में 2p से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऑक्सीजन में भी 2p से निकालोगे, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी खत्म, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट कब होता है, जब अलग अलग सबशेल से निकालते हो, ठीक है। अब इसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ये है 2p3 और ये 2p4, सो नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, देयरफॉर इट हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो चलना इसी तरीके से है, पहले साइज फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट से पहले एक चीज और, अगर आपको फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में करना हो, सो यू नो कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फुलफिल्ड देन हाफ फिल्ड। सो एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं कि अगर आपको नाइट्रोजन 7 और नियॉन 10 दे दिया जाए तो क्या करेंगे। देखिए नाइट्रोजन 7 की कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 और बेटा नियॉन की 1s2 2s2 2p6। अब देखिए अगर मैं मेन शेल काउंट करूं तो दोनों में 2 मेन शेल्स हैं, फैक्टर खत्म।
पेनिट्रेशन इफेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2p और 2p में निकालना है, सो देर इज़ नो पेनिट्रेशन इफेक्ट, हमने काट दिया। अब स्टेबिलिटी में देखिए, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड, आई राइट ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? फुल फील्ड। सो नियॉन 10 इज मोर स्टेबल एंड हेंस इट हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो दिस इज रिगार्डिंग द थर्ड फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर नंबर 4, न्यूक्लियर चार्ज। जेड, सो बेटा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया कि आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज सेड टू बी द न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, देखिए, इफ मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, दैट इज मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स भी ज्यादा होगी, ठीक है, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। आई विल सिंपली राइट, अगर जेड ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी एंड ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। सो ये फैक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आप पता कैसे करोगे किसकी यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? तो मैंने आपको बताया था इसका सिंबल जेड है, जेड इज अ सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर आल्सो। सो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। वन मोर थिंग, एलिमेंट नोट करना है इस चीज को, एलिमेंट हैविंग मोर एटॉमिक नंबर विल हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज। चलिए स्टडी करते हैं अभी इस फैक्टर को। बैरियर हम लोग लेते हैं बोरोन 5 और कार्बन 6। चलिए कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन की 1s2 2s2 2p1, कार्बन बेटा 1s2 2s2 2p2। अब देखिए पहले फैक्टर से ही चलना है, बोथ कंटेन 2 मेन शेल्स, कैंसिल कीजिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन p से रिमूव करना है सो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कैंसिल कीजिए, कोई भी स्टेबल नहीं है, ना फुल फील्ड ना हाफ फील्ड, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कट कीजिए। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है? सो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इट मींस कार्बन हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज एंड देयरफॉर इट हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बट ये फैक्टर कौन से नंबर पे है? 4 पे, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। सो नेक्स्ट फैक्टर इज नाउ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फैक्टर नंबर 5, Z इफेक्टिव, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जस्ट सी आउट कि न्यूक्लियर चार्ज तो होता है सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट अगर आउटर मोस्ट शेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपली इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बिल्कुल क्लियर है, इफ जेड अफेक्टिव इज मोर, अगर आपका जेड अफेक्टिव ज्यादा होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, सो बेटा मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी एंड देयरफॉर मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट ए फैक्टर अप्लाई कहां करना है आपको अच्छी तरह से पता है, वेयर टू अप्लाई। नंबर 1, इफ वी आर डीलिंग इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स आपको Na पॉजिटिव दे दिया और O2 नेगेटिव दे दिया। सेकेंडली, आप एलिमेंट और उसी के पॉजिटिव आयन उसी के नेगेटिव आयन को कंपेयर करो कि भी सोडियम वर्सेस सोडियम पॉजिटिव, बताओ किस में से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, या Al पॉजिटिव और Al2 पॉजिटिव में बताओ किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, या
ओ नेगेटिव ओ टू नेगेटिव में बताओ किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। सो ये आपको दो केसेस बिल्कुल ध्यान रखने, और जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको पता होगा, वी हैव डन इन द टॉपिक ऑफ रेडियाई, इट इज इक्वल टू पी अपॉन ई, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। सो जस्ट सी, विल डू वन क्वेश्चन नाउ। अ नियॉन और Na पॉजिटिव, नियॉन और Na पॉजिटिव विच हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं। अ नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम 11। सो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में बेटा 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन। सो ये आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो डायरेक्टली आप क्या निकालोगे, जेड इफेक्टिव। सो Na पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 11, जेड इफेक्टिव आएगा प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, 1.1, और नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इसका जेड इफेक्टिव आएगा 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 1.0। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, Na पॉजिटिव। सो Na पॉजिटिव हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर इट हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ध्यान रखना है कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आए या एलिमेंट और उसी का आयन, वहां पर भी चेक कर लेते हैं। सो वहां पर भी सेम रहेगा आपको, जैसे मैं सेकेंड इसमें देता हूं कि मैंने आपको सोडियम वर्सेस सोडियम पॉजिटिव दिया, अब आपका डायरेक्ट फैक्टर कौन सा है, जेड इफेक्टिव। सो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड Na पॉजिटिव 11, जेड इफेक्टिव निकालिए, हेयर 11 अपॉन 11 1 आ गया। Na पॉजिटिव में बेटा जेड इफेक्टिव 11 अपॉन 10 1.1, तो किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा आया, देखिए Na पॉजिटिव। सो Na पॉजिटिव हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर इट हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये बेटा ध्यान रखना है कि आपको कब कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज रिगार्डिंग द फिफ्थ फैक्टर। नाउ वील डिस्कस द फैक्टर नंबर 6, शील्डिंग इफेक्ट, और जो आपका सेवंथ फैक्टर है, दैट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों फैक्टर एक ही साथ स्टडी होंगे, ठीक है, जस्ट सी आउट। सो शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं पहले, फैक्टर नंबर 6। शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, जस्ट देखिए। दिस इज द फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द सेकेंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज द थर्ड शेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बट ये जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड शेल्स हैं, दीज आर सेट टू बी द इनर शेल्स, हम इनको क्या कह के चलेंगे, इनर शेल। और थर्ड शेल को आप क्या कह के चलोगे, आउटर मोस्ट शेल। अब एक चीज़ बड़ा आपको ध्यान से करना है यहाँ पे, जैसे जैसे अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, देखिए मैं इसको रब करके बताता हूँ कि जैसे अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सो न्यूक्लियस को उन्हें भी अट्रैक्ट करना है इस तरह से, क्लियर। सो अगर आपकी अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो उन इलेक्ट्रॉन पर भी ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेंगे, दिस इज सेट टू बी द शील्डिंग इफेक्ट। फिर से देखिए, अगर आप अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, व्हाट आई विल राइट, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स आर मोर, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, देन दीज इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक दीवार की तरह काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये क्या क्रिएट होगी, बीच में एक शील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये शील्ड क्रिएट होगी तो जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, कम, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन लेस, एंड ऑब्वियसली
less energy is required for its removal and less is the ionization enthalpy. So फिर से समझिए एक बार, मैं diagrammatically फिर से लेके चलता हूँ, थोड़ा typical है but इसमें कोई issue नहीं है. देखिए फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल, हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है. ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस पे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एफ ओ ए. अब जैसे जैसे आपके अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सो न्यूक्लियस उनको भी अट्रैक्ट करेगा. जैसे जैसे बढ़ेंगे अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स, देखिए क्लियर. तो जैसे जैसे अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सो ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल एक्ट एज अ शील्ड, ये एक शील्ड की तरह काम करेंगे. उसकी वजह से इस न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाएगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, लेस. सो शील्डिंग इफेक्ट कब ज्यादा होता है, अब इस चीज को देखिए. व्हाट विल आई राइट बिल्कुल क्लियरली, अब स्टेप बाय स्टेप. इफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स आर मोर, क्लियर, देन व्हाट हैपन्स, दे एक्ट एज शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में दीवार की तरह काम करेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी एंड नंबर फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी. सो दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है. तो शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल्स, ठीक है, ये आपको देखना है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे. नाउ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देखिए सेवंथ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. समझिए इस चीज को, ये बेटा दो तीन शेल्स हो गई, ठीक है, तो ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. चलिए अब ये इनर शेल्स जो है मैंने फिल कर रखी, क्लियर. सो ये जो इनर शेल है ये कैसे काम कर रही है, दे विल एक्ट एज अ शील्ड, ये एक शील्ड की तरह काम कर रही है, ठीक है, इनर शेल्स, ठीक है, शील्ड, क्लियर, शील्ड की तरह काम कर रही है बिटवीन, किसके बीच में शील्ड है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अब अगर ये शील्डिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब ये शील्ड वीक है या ये प्रॉपर शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, देखिए, इफ दिस शील्ड इज वीक और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट इज वीक, आपका शील्डिंग इफेक्ट वीक है, सो क्या होगा, अब ये दीवार प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सो न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो सिंपल ध्यान रखना है भाई, अगर शील्डिंग प्रॉपर है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, शील्डिंग इम्प्रॉपर है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ज्यादा होगी. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल हियर. एल्यूमिनियम और गैलियम, द कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 वेयर एज द कॉन्फिगरेशन ऑफ गैलियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन
3D10 एंड 4P1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इस चीज को देखना है आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और मैं अगर इसको शेल के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो शेल के अकॉर्डिंग है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या आएगा 3d10, 4s2, 4p1। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से निकालने हैं और इसमें फोर्थ शेल से। सो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए था, अब आपको सिंपल सा लॉजिक है, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए था कि जिसमें शेल ज़्यादा, ठीक है, पहला फैक्टर हम लगा के चलते कि जिसमें शेल ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, उसके आंशिक एंथैल्पी कम। बट अब सबसे इम्प्रॉपर इसमें और इसमें देखिए, ये जो 3d10 है, ठीक है, आपने देखा कि ये जो 4s के बाद हमने 3d10 को फिल किया है, ठीक है, तो आपने आउटर शेल के बाद इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में डाला है 4s, उसके बाद इनर शेल में डाला है, तो जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जाएगा, ठीक है ना, तब तब कौन सा इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट। और यहां पर जो 3d है इट कॉजेस पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो शील्डिंग इफेक्ट पुअर करती है। देखिए इस तरह से मान के चलते हैं, ये हमारी फर्स्ट शेल, ये सेकेंड, या मान के चलिए ये आपकी 3d, ठीक है, फिर बेटा ये 4s और ये आपकी 4p। अब ये जो 3d है, 3d में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं, ये व्हाट दे आर डूइंग, ये एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल 4s और 4p पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, कम। बट अब ये जो 3d है यहाँ पे, व्हाट इट डज इम्प्रॉपर शील्डिंग। इम्प्रॉपर शील्डिंग का मतलब, अब ये जो दीवार है या शील्ड है ये वीक है, ड्यू टू विच अब न्यूक्लियस डायरेक्टली किसको अट्रैक्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल। सो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। क्लियर? और एक चीज़ और, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आउटर मोस्ट शेल अंदर की तरफ खींचेगी, तो ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, साइज भी कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा। तो रीज़न देखिए यहाँ पे, इम्प्रॉपर शील्डिंग सिर्फ कुछ ही केसेस में है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। सो व्हाट विल आई राइट, इन गैलियम 3d causes, बेटा ये आपको लर्न करना है कि कहाँ पर इम्प्रॉपर शील्डिंग हो रही है। सो गैलियम में है, 3d causes इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, दैट इज किस पे इंक्रीज होगी, 4s एंड 4p पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच अब क्या चीज होगी, द आउटर मोस्ट शेल कॉन्ट्रैक्ट्स, शेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से साइज लेस। सेकेंड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज है देन आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर। तो इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से दो रिजल्ट आते हैं आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर द साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। पहला तो ये रीजन, अगेन द सेम, ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 4s 4p इंक्रीजेस, शेल कॉन्ट्रैक्ट्स, रेडियाई डिक्रीज। सेकेंडली सेम ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, रीजन वही, ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 4s 4p इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर। सो बिल्कुल ध्यान करना है, 3d भैया प्रॉपर दीवार की तरह काम नहीं कर रही है, इम्प्रॉपर शील्डिंग है, तो न्यूक्लियस के टारगेट में डायरेक्टली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा तो वो शेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो रेडियस कम होगा, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी
तो उनको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं एल्यूमिनियम वर्सेस गैलियम, ये फैक्टर नॉर्मल अप्लाई करने के नहीं है, नॉर्मली आप 1 से 5 फैक्टर को अप्लाई करोगे। सो दिस इज अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड्स। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, जस्ट सी आउट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s1, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट हैज़ 2 मेन शेल्स और इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s1। सो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाएगी 3s1, पोटेशियम अप टू 4s1, रूबीडियम 5s1, सीजियम 6s1 और बेटा फ्रेंशियम 7s1। तो सोडियम में 3 मेन शेल्स, पोटेशियम में 4 मेन शेल्स, रूबीडियम 5 मेन शेल्स, सीजियम 6 मेन शेल्स और फ्रेंशियम इज 7 मेन शेल्स। सो व्हाट हैपन जस्ट सी आउट, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल्स, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो साइज का ऑर्डर क्या है देखिए, ऑर्डर ऑफ साइज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पहला फैक्टर साइज था, सो ग्रुप में साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नाउ वी हैव टू स्टडी इन पीरियड्स, जस्ट सी आउट फॉर द पीरियड्स। बेटा वी विल टेक सिंपली यू कैन से सेकेंड पीरियड को लेकर चलते हैं, बेरिलियम, बोरोन और प्रॉपर या स्टार्टिंग से लेते हैं, चलिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ग्रुप वाइज 18th ग्रुप, 17th, 16th, 15th, 14th, 13th, 2nd एंड 1st। एटॉमिक नंबर यू नो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं, जस्ट सी आउट, लिथियम 1s2, 2s1, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरोन बेटा 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5 और नियॉन बेटा 1s2, 2s2, 2p6। तो सबसे पहले देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, ठीक है, ऑल विल हैव द 2 मेन शेल्स, सब में 2 मेन शेल है, ठीक है, तो मेन शेल वाला फैक्टर खत्म। अब 1 by 1 आपको डिस्कस करना है कैसे, जस्ट सी आउट। जब बेटा आप लिथियम से बेरिलियम पे जाओगे 2s1 और 2s, लेफ्ट से राइट देखिए 2s1 और 2s2 में 2s2 ज़्यादा स्टेबल है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर। यहाँ पर जो फैक्टर आया वो क्या आया आपका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर 2s और 2p में 2s ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, सो इट विल हैव द मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब बोरोन से कार्बन में कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है तो इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाओगे तो फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ड्यू टू विच मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्लोरीन से नियॉन पे जाओगे, नियॉन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आप देखिए नॉर्मली ज़्यादातर पार्ट में क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। थोड़े पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज हुई है, रीजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
या यहाँ पर डिक्रीज हुई है पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से. सो वी विल राइट कि आयनेशन एंथैल्पी जो है इट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एक्सेप्ट सम प्लेसेस ड्यू टू, वहां पर क्या लिखोगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट. सो जहां जहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है पेनिट्रेशन इफेक्ट आया हमारा, वहां पे आयनेशन एंथैल्पी जो हुई है वो डिक्रीज हुई है. क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग द पीरियड. बट एज अ होल अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, चलिए नाउ अब इसमें एक रीजन और दिया जा सकता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो बेटा तो जो साइज है वो डिक्रीज करता है, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एक्सेप्ट अगेन द सेम रीजन सम प्लेसेस ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. ठीक है, एंड यू कैन से पेनिट्रेशन इफेक्ट. बट साइज में पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हमने बेरिलियम और बोरोन का साइज डिस्कस किया था तो बोरोन का जो था वो साइज के अकॉर्डिंगली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट लिख देते हैं इस चीज को. तो यहाँ पर ध्यान रखिए बेरिलियम और बोरोन में, ठीक है, बोरोन का साइज क्या है, कम है. ठीक है, बट इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है. तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्शंस आई हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आई हैं, वो किसकी वजह से है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या पेनिट्रेशन इफेक्ट. सो अब ओवरऑल पूछे तो क्या होता है, पहले हमने एलिमेंट टू एलिमेंट देखा क्या चीज़ है, फिर ओवरऑल हमने देखा कि जो मैक्सिमम पार्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है और उसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सेकेंडली जहां जहां पर ऑब्जेक्शंस आई है वहां पर रीजन या तो आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट मिला है या आपको रीजन मिला है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन. सो बेटा दिस इज अबाउट यू कैन से द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, चलिए नाउ एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको एल्यूमिनियम गैसीय स्टेट में से कॉन्फ़िगरेशन है आपकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे -e1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो बेटा एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव. सो एल्यूमिनियम पॉजिटिव में से अब आप निकालोगे वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Al+2 में. और Al+2 से जो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, नाउ इट इज, इसको माइनस लगा लीजिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन. सो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे और रिक्वायर्ड होगी, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड इट विल कन्वर्ट इंटू Al3 पॉजिटिव गैसेस. सो वॉट आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रखिए पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूट्रल एटम से होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव आयन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 पॉजिटिव आयन. सो डेफिनेशन इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom. So बेटा जो total energy है E total किसके लिए, aluminium से aluminium 3 positive के लिए, वो है आपकी ΔiH1 plus ΔiH2 plus ΔiH3. देखिए आपको convert करना है aluminium से aluminium+3. सो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी. सपोज आपको कन्वर्ट करना है, देखिए Mg को कन्वर्ट करना है Mg+2, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेंगी, ΔiH1 प्लस ΔiH2. ये ध्यान रखना है, फॉर द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज,
फॉर द रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है जैसे सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी या जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आर द सेम थिंग्स। सो अब एक चीज़ और, अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पॉजिटिव आयन, अगर कहा जाए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू पॉजिटिव आयन, यानी उनकी कॉन्फिग्रेशंस को चेक करना है। जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करने के लिए न्यूट्रल एटम की कॉन्फिग्रेशन लिखनी है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करनी है तो पॉजिटिव आयन, थर्ड चेक करनी है तो टू पॉजिटिव आयन। सपोज मैं कहता हूँ देखिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड फॉर एम किसी भी मेटल के लिए। सो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बेटा किससे रिमूव करोगे, एम पॉजिटिव। सिमिलरली इफ आई से आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड, सो थर्ड इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करोगे, एम टू पॉजिटिव से, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एम गैसियस, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करोगे, न्यूट्रल एटम से। सो ये ध्यान रखना है कंपैरिजन में आपको अच्छी तरह से। अब वन मोर थिंग, वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज हायर। जो बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, दैट इज डेल्टा आई एच वन से ज़्यादा डेल्टा आई एच टू देन डेल्टा आई एच थ्री। क्लियर, ठीक है। सो इसका रीज़न हमें स्टडी करना है। जब मैंने कहा था जब आप मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन से कंपेयर करते हो तो हम जेड इफेक्टिव का फैक्टर निकालेंगे। सो जेड इफेक्टिव फॉर एल्यूमिनियम देखिए 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, फॉर एल पॉजिटिव जेड इफेक्टिव 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, फॉर एल टू पॉजिटिव 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। सो देखिए यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज हैपनिंग, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, दिस सिंपली रीजन कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज में जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है। सो रीजन इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा भी समझिए, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स है और बेटा यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स है। जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स 13 इलेक्ट्रॉन पे थी वही फोर्स अब कितने इलेक्ट्रॉन पे है, 12 इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी। देखिए अब जो फोर्स यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन पे है वही कितने इलेक्ट्रॉन पर है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन पे। सो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स बढ़ी, जेड इफेक्टिव बढ़ा, ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सो व्हाई द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हायर, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। नाउ स्टूडेंट हमें एक छोटा सा और करना है, देन वी हैव टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स, द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बड़े ध्यान से करना है, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। तो मेनली तो फर्स्ट को ही देखेंगे, तो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे रिएक्टिव मेटल द हाईली रिएक्टिव मेटल ये बेटा ग्रुप फर्स्ट होता है अल्कली मेटल। क्लियर। और अल्कली मेटल में जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा आई एच वन, ये बेटा 300 से लेकर इट विल गो अप टू 520 किलो जूल पर मोल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल ये होते हैं आपके ग्रुप 17th हैलोजन्स,
इनमें जो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसका जो ऑर्डर आएगा दैट इज यू कैन से 917 से 1700 किलो जूल पर मोल। आफ्टर दैट जो आपकी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस यू कैन से 18th ग्रुप, क्लियर, इनमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है दैट विल बी बिटवीन यू कैन से 2400 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप, सो उसमें बेटा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये 500 से लेकर 900 किलो जूल पर मोल। सो ये एक फिगर है जो आपको लर्न करनी है फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट कंसेप्चुअल में। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा बहुत हमें दिक्कत आती है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन चार ग्रुप की लर्न कीजिए, ऑन दैट बेसिस हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल पार्ट। सो ये भी लिखा रहने देता हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर वन जो है ही सेज कि हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, और बेटा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पीज सेकंड गिवन है। इफ़ आई राइट एलिमेंट ए की फर्स्ट है 2370, सेकंड 5250, एलिमेंट बी में है फर्स्ट 520, एलिमेंट सी की फर्स्ट है 900, एलिमेंट डी की फर्स्ट है 1700, एलिमेंट बी की सेकंड है 7300 किलो जूल पर मोल, थर्ड की बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1800 और फोर्थ की है 3400, ऑल दीज आर इन किलो जूल पर मोल। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, देखिए यू हैव टू आइडेंटिफाई, यहीं से करते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है इनमें से। सो मैंने क्या कहा था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो आप चेक कीजिए किसके बीच में होना चाहिए। इट विल बी बिटवीन जो हमने ऑर्डर लिखा है 300 से 520। सो यहाँ पर आप देखिए कोई आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट देखना है बस आपको, सेकेंड नहीं देखना है, सेकेंड इज जस्ट टू कन्फ्यूज यू। तो फर्स्ट में आपको देखिए ये जो ऑर्डर है 520 ये मेरा मैच हो रहा है, क्लियर। सो जो आपका एलिमेंट बी है इट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल उसमें जो आपकी फर्स्ट आंसर एंथैल्पी का ऑर्डर 917 से लेकर 1700 तक होना चाहिए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसमें जो आपका आंसर है देखिए, अब ये 900 तो आएगा नहीं क्योंकि बेटा 917 से स्टार्ट है, ये आएगा डी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल क्या हुआ मेरा डी। अब इसके बाद जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में हमने अभी एक फिगर नोट की थी वेयर वी हैव रिटन नोबल 2400 से लेकर 1000 तक हम इसको स्टडी करते हैं, बट ये देखिए 2400 ये 2370 भी बेटा किसके नियर अबाउट है, 2400 के नियर अबाउट है। तो जो आपकी नोबल गैस है वो कौन सा एलिमेंट है, ए, क्लियर। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने क्या कहा था आपको देखिए कि 500 से 900, सो ये जो सी बचा आपका ये कौन सा बचा आपका, यू कैन से अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताई है जिससे आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और उसमें बेटा इट इज नॉट क्वाइट ईजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, जस्ट सी आउट एक बार क्वेश्चन नंबर टू से पहले हम थोड़ा नोट कर देते हैं कि सबसे पहले हमको देखनी होती है मेन शेल और यू कैन से साइज, देन वी हैव टू सी पेनिट्रेशन इफेक्ट, देन स्टेबिलिटी वाला फैक्टर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है बस, जस्ट सी आउट। सो क्वेश्चन नंबर टू इज विच हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो गिवन फर्स्ट पार्ट इज Mg2 पॉजिटिव
वर्सेस Al3 पॉजिटिव, जस्ट सी आउट बेटा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का 13, 10 इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर टेक्निकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव निकालिए, मैग्नीशियम का जो जेड इफेक्टिव आएगा 12/10 1.2, और बेटा Al3 पॉजिटिव का आएगा 13/10 1.3। सो Al3 पॉजिटिव विल हैव द मोर जेड इफेक्टिव, देयरफॉर इट हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड, डेल्टा आई एच वन ऑफ सोडियम वर्सेस डेल्टा आई एच टू ऑफ मैग्नीशियम। देखिए, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? सोडियम से, क्लियर, एटॉमिक नंबर 11। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है Mg पॉजिटिव से, क्लियर, मैंने बताया था आपको। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? Mg पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 12। सो बेटा सिंपल, अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 12-1, यहां पर भी क्या हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। सो दीज टू आर टेक्निकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टली आप क्या देखोगे? जेड इफेक्टिव देख के चलोगे। सो जेड इफेक्टिव सोडियम का कितना आएगा? 11/11 1.0। अब Mg पॉजिटिव में जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर 12 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 11, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब सिंपल सा एक लॉजिक है, ये जो वैल्यू आएगी, देखिए 11/11 इज सिंपली 1.0, और ये वैल्यू जो आएगी इट इज मोर देन 1 से ज्यादा आएगी, सिमिलर, ठीक है। सो देयरफॉर जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? Mg पॉजिटिव। सो आई कैन से डेल्टा आई एच टू ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन डेल्टा आई एच वन ऑफ सोडियम ड्यू टू मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कई बार हम अंदाजा मतलब कैलकुलेट ना भी करें तो काम चल जाता है, सिंपल। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर 11, यहाँ पर न्यूमरेटर 12, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो ये अब आपको देखना कैसे करना है। सो टू एग्जाम्पल्स आर सफिशियंट, वन मोर चलिए एक और देखते हैं, सो दैट कंसेप्ट हमारा बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। इट इज गिवन, कॉन्फिग्रेशन दे रखी है, फर्स्ट सेकेंड या सिंपल ए बी मान लेते हैं। सो 1s2 2s2 2p6, सेकेंड इज 1s2 2s2 2p5। देखिए बेटा टू मेन शेल्स हैं, तो मेन शेल वाला फैक्टर खत्म। यहाँ 2p5 2p6, यानी 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी खत्म। अब स्टेबिलिटी वाला फैक्टर देखिए, 2p6 इट इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, देयरफॉर ए हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो एलिमेंट्स आर बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन। चलिए पहले कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं, बोरोन 1s2 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, सिलिकॉन 1s2 2s2 2p2, 3s2 3p2। तो इनको अरेंज करना है। अब सबसे पहला फैक्टर आपका मेन शेल या साइज है, बेटा इसमें टू मेन शेल, ध्यान से देखिएगा, इसमें थ्री मेन शेल्स, इसमें भी टू मेन शेल और इसमें थ्री मेन शेल्स। तो आपको पता है जिसका मेन शेल कम होगा उसका साइज कम होगा और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो दो मेन शेल वाले कौन कौन से आए? कार्बन और बोरोन, इनमें दो मेन शेल्स हैं, ठीक है, अरेंजमेंट देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है, कार्बन और बोरोन में दो मेन शेल्स हैं और एल्यूमिनियम वर्सेस सिलिकॉन में तीन मेन शेल्स हैं। सो जिनमें दो मेन शेल्स हैं इनका साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी
ज़्यादा होगी। अब क्या कंपेयर करना है, सिर्फ एल्यूमिनियम वर्सेस सिलिकॉन और कार्बन वर्सेस बोरोन। चलिए अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये तो पहले आपने मेन शेल के अकॉर्डिंगली इनको सेपरेट किया। अब एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वेयर एज सिलिकॉन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब बेटा देखिए, इन दोनों में मेन शेल सेम आ गई आपकी, ठीक है। अब इनमें पेनिट्रेशन भी नहीं लग सकता क्योंकि दोनों में पी से रिमूव करना है, स्टेबल भी नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, सिलिकॉन का 14। सो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सिलिकॉन इज मोर देन एल्यूमिनियम, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिलिकॉन इज मोर देन एल्यूमिनियम। तो इस ऑर्डर को मैं कैसे करेक्ट करूँगा कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में किसकी ज़्यादा है, सिलिकॉन। सो ये मैंने अब करेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसी के नीचे मैं कर दे रहा हूँ करेक्ट। या चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट करके कि एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, करेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। ये कौन सा केस था आप लोगों का, 3 मेन शेल्स वाला। अब सेम चेक करना है किसके बीच में आपको, कार्बन और बोरोन। सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, बोरोन बेटा 1s2 2s2 2p1। अब कार्बन और बोरोन में मेन शेल सेम है, पेनिट्रेशन भी नहीं लगेगा क्योंकि सेम सब शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कोई स्टेबल भी नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6। कार्बन 6 हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर इट हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो कार्बन और बोरोन में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, कार्बन। सो ये बेटा आपका ऑर्डर आएगा। सो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमने 3 मेन शेल्स और 2 मेन शेल में सेपरेट किया। 3 मेन शेल्स वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, 2 वालों की ज़्यादा। फिर एल्यूमिनियम वर्सेस सिलिकॉन में सिलिकॉन की ज़्यादा थी और बोरोन वर्सेस कार्बन में कार्बन की ज़्यादा थी। सो दिस वे वी कैन सिंपली अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन आर 496, 737, 786 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो वी हैव टू टेल प्रिडिक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760 किलो जूल, किसके नज़दीक होगी। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि सोडियम देन मैग्नीशियम ये एक ही पीरियड में आते हैं एलिमेंट, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 और सिलिकॉन 14। और बेटा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है, दिस वे ये हमारा इंक्रीज चलेगा, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात हमें ये कहना है कि पर्टिकुलरली जो चेक करना है यहाँ पर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर आपको ध्यान हो ऑर्डर जो था वो रिवर्स था ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। मैं आपको चेक करा देता हूँ, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, तो बेटा 3s1 से 3s2 ज़्यादा स्टेबल हो गया। चलिए नाउ एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3s से निकालना, यहाँ 3p से, तो ज़्यादा पेनिट्रेटेड कौन है, 3s ज़्यादा हो गई। और सिलिकॉन में अगर आप करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, देखिए मैग्नीशियम की कितनी गिवन है, हम यहाँ चेक करते हैं, 737 गिवन है, और सिलिकॉन की दे रखी है 786, और हमें जो वैल्यूज दी गई हैं 575 या 760। अब देखिए मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या लेके चलूँ, 575
या 760। मेरे को एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि जो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम से कम है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट लेस देन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की 737 है। अब इससे कम कौन सी होगी? 575, 760 नहीं होगी। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें आपसे रीजन नहीं पूछा, डायरेक्ट वैल्यूज पूछी है। सो यहाँ पर आपने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, तो 737 से कम वैल्यू कौन सी है? 575। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे एंड होते हैं। अब फिफ्थ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। वी विल डिस्कस 2 or 3 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। सो फर्स्ट इज ही सेज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 495 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट4.6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इंटू Na पॉजिटिव, ठीक है। सो देखिए बेटा आपको करना क्या है, सोडियम को कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव में, ठीक है। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करा है, ठीक है। सो 1 मोल सोडियम का जो मास होता है दैट इज 23 ग्राम, और आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 495 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल के लिए कितनी? 495। सो वी कैन से 23 ग्राम सोडियम के लिए जो वैल्यू है वो 495 किलो जूल, क्लियर। अब हमें किसके लिए निकालना है? 4.6 मिलीग्राम, तो बेटा पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। 4.6 मिलीग्राम इक्वल्स टू 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। सो 1 ग्राम सोडियम के लिए बेटा ये हो जाएगी 495 अपॉन 23, और 4.6 मिलीग्राम के लिए या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए 495 अपॉन 23 इंटू 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सॉरी यहाँ ग्राम नहीं आएगा, दैट विल बी इन किलो जूल्स। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपली बेटा ये डेसिमल हटा के 10 आएगा, 2 पे कटेगा, फिर सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आपका आएगा दैट इज 0.0990 किलो जूल्स। सो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। आपको किलो जूल पर मोल में दे रखी थी, यानी 1 मोल की दे रखी थी। 1 मोल मतलब एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको निकालनी किसकी थी? 4.6 मिलीग्राम के लिए। सो बेटा हमने उसको किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में, एंड वी हैव डन सम लिटिल कैलकुलेशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ही सेज कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन इज 1.313 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा देखिए आपको क्या गिवन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल गिवन है, और आप और आपको एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस आपको एनर्जी निकालनी है फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन में, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और पर एटम निकालनी है एक एटम के लिए, किसके लिए? फॉर वन एटम, ठीक है। तो चलिए पहले यहां से चेक करते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट इज नेगेटिव ऑफ E1, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया था, वहां पर हमने डेल्टा IH को क्या लिखा था? IE। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ E1, और यू कैन से E1 इज नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो मुझे E1 निकालना है ये पर एटम निकालना है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा मुझे किस में चाहिए?
पर एटम में। तो पर एटम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए ये वैल्यू किसके लिए है, वन मोल के लिए। सो जस्ट सी आउट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल जो आपको दे रखी है वो है 1.313 × 10^6 जूल। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर एटम, अब ये एवोगैड्रो एटम्स के लिए है तो एक एटम के लिए कैसे आ जाएगी, 1.313 × 10^6 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10^23। ऑन डिवाइडिंग दिस कम्स आउट टू बी 2.18 × 10^-18 जूल। अब ये आ गई एक एटम के लिए, ठीक है। सो बेटा डायरेक्टली इसको यहाँ पुट करो और ये नेगेटिव लगाओ, ठीक है। सो दिस विल बी नाउ −2.18 × 10^-18 जूल। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हिंट बिल्कुल क्लियर था कि जो फर्स्ट शेल या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाइड्रोजन में इज द नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेटा पर मोल में था, आंसर पर एटम में पूछा, तो पहले हमने उसको कन्वर्ट किया पर एटम में। कैसे कन्वर्ट किया, डिवाइडिंग बाय द एवोगैड्रोस नंबर, क्यों, बिकॉज वन मोल कंटेन 6.022 × 10^23 एटम्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट सी आउट क्वेश्चन नंबर 7। ही सेज डेल्टा आई एच वन कॉमा डेल्टा आई एच टू फॉर हीलियम, द वैल्यूज आर 24.58 एंड 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.5 मोल हीलियम 2 पॉजिटिव। चलिए सो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एनर्जी निकालनी है टू कन्वर्ट फॉर्म 0.5 मोल Hc2 पॉजिटिव। सो देखिए बेटा पहले Hc को कन्वर्ट करेंगे Hc पॉजिटिव, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे Hc2 पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे लगी बेटा सेकंड। सो जो टोटल एनर्जी E टोटल इज डेल्टा आई एच वन प्लस डेल्टा आई एच टू, और ये बेटा वन मोल के लिए, किसके लिए है, वन मोल, और हमें निकालनी किसकी है 0.5 मोल, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टोटल एनर्जी जो आएगी हमारी, हम टोटल करेंगे, दैट इज 24.58 प्लस 54.4, ऑन टोटलिंग दिस कम्स आउट टू बी 76.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 76.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वन मोल हीलियम से अगर आपको वन मोल Hc2 पॉजिटिव बनाना है सो इतनी एनर्जी लगेगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है 0.5 मोल के लिए, ठीक है। और बेटा इसमें एक चीज और है कि थोड़ा यहां पर चेंज करते हैं, 0.5 मोल इन किलो जूल पर मोल, थोड़ा सा चेंज किया है, किलो जूल पर मोल ने पूछा है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे किलो जूल पर मोल में। सो ई टोटल इज इक्वल टू 76.98। सो मैंने आपको बताया था कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन्स, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन 96.49 किलो जूल पर मोल, ये डाटा मैंने आपको बताया था। तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 96.49, ऑन मल्टीप्लीकेशन यू विल, जो भी आपका आंसर आएगा दिस विल बी इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक बार बिल्कुल ध्यान से कैसे किया था फिर से देखिए, हीलियम से हीलियम टू पॉजिटिव बनाना है सो मुझे चाहिए डेल्टा आई एच वन और डेल्टा आई एच टू, दोनों को टोटल किया इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है मोल, ठीक है। अब मुझे जो इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन किस में निकालनी है 0.5 मोल में। अब देखिए मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन थी, मैंने कैलकुलेशन वन मोल के लिए करी, बट अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, रीजन इन द सेंस
कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है बेटा, यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ध्यान कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल गिवन नहीं है, क्या गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे आंसर चाहिए किलोजूल पर मोल में, इसमें कन्वर्ट किया मैंने। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल गिवन होता तो मेरा आंसर यहाँ पर ठीक ठाक था। अब सिंपल लॉजिक, आपने एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, फिर आपने उसको कन्वर्ट किया किलोजूल पर मोल में। अब ये जो आंसर आएगा आपका, हमें सिंपल लॉजिक, ये कितने मोल के लिए आ गया, फिर से वही कहूँ कि ये आंसर किसके लिए आया, वन मोल के लिए, और हमें किसके लिए निकालना है, फॉर ई टोटल फॉर 0.5 मोल Hg2 पॉजिटिव। सो बेटा इसको डायरेक्टली क्या करोगे, आप डिवाइड बाई 2 करोगे। सो ऑन डिवाइडिंग बाई 2 दिस कम्स आउट टू बी, 2 से डिवाइड कर दो या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो और 76.98 96.49 इंटू 0.5, दोनों ऑप्शन ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 3810 किलो जूल। सो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, फिर से देखिए, टोटल एनर्जी निकाली हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ठीक है, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया किलो जूल पर मोल में, और फिर हमें हाफ मोल के लिए चाहिए थी, तो मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सी आउट। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू मैग्नीशियम आयंस, मींस Mg2 पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 24 ग्राम मैग्नीशियम वेपर्स, यानी बेटा मैग्नीशियम कितना गिवन है, 24 ग्राम, ठीक है, डेल्टा डिट इज 24 मिलीग्राम कीजिए बेटा इसको, 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम वेपर, नॉट द ग्राम। सो द डेटा गिवन टू यू, डेल्टा आई एच वन इट इज 737.76, डेल्टा आई एच टू बेटा इट इज 1450.73 किलो जूल पर मोल। चलिए नाउ सिंपल क्वेश्चन है, 24 मिलीग्राम, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, मैं क्लियर करता हूँ, आपको मैग्नीशियम को कन्वर्ट करना है मैग्नीशियम पॉजिटिव में, फिर इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है Mg+2 में। सो इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, डेल्टा आई एच वन और डेल्टा आई एच टू, बट आपको मैग्नीशियम कितना गिवन है, 24 मिलीग्राम, इस पॉइंट पे फोकस करना है। तो चलिए ई टोटल का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आई एच वन प्लस डेल्टा आई एच टू, सो दोनों को टोटल कीजिए, दैट इज 737.76 प्लस 1450.73, ऑन टोटलिंग दिस कम्स आउट टू बी 2188.49 किलो जूल पर मोल। अब ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी आई है किलो जूल पर मोल के लिए, यानी किसके लिए एनर्जी आई, फॉर वन मोल मैग्नीशियम, दिस क्वांटिटी इज फॉर वन मोल मैग्नीशियम और 24 ग्राम मैग्नीशियम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट करी है यहां पे। सो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए जो मेरी वैल्यू है वो क्या है बेटा, 2188.49 किलो जूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान कीजिए इसको, ठीक है, और मुझे निकालना किसके लिए है, आई हैव टू कैलकुलेट फॉर 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सो 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना हो जाएगा, 2188.49 अपॉन 24, और बेटा 24 मिलीग्राम का मतलब 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, दैट इज 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम के लिए 2188.49 अपॉन 24 इंटू 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 24 से 24 कैंसल, दैट इज 2.18849
2.18849 किलो, जो सिंपल न्यूमेरिकल था कुछ नहीं, बट एक चीज ध्यान रखनी, वन मोल का जो मास होगा दैट इज इक्वल टू मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी. सी आउट केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको समझना है. क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Mg पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, दो की परसेंटेज आपको निकालनी है, Mg पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, इफ 2.4 ग्राम मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम बेटा, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम एब्जॉर्ब 120 किलो जूल ऑफ एनर्जी, वो 120 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. सो डेल्टा आई एच वन गिवन टू यू 740, डेल्टा आई एच टू इज 1450, डेटा इज इन किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल. चलिए सॉल्यूशन, आपको परसेंटेज निकालना है Mg पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव का. सो चेक करते हैं, मैग्नीशियम है गैसियस स्टेट, फर्स्ट इट गेट कन्वर्ट इनटू Mg पॉजिटिव गैसियस स्टेट, फिर ये कन्वर्ट होगा बेटा Mg2 पॉजिटिव गैसियस स्टेट. तो इस पूरे के अंदर आपको किसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ Mg पॉजिटिव और बेटा परसेंटेज ऑफ Mg2 पॉजिटिव की परसेंटेज निकालनी है. यहां पे दिस इज डेल्टा आई एच वन, डेल्टा आई एच टू जो वैल्यूज हैं वो गिवन है आपको 740 किलो जूल पर मोल, दिस इज 1450 किलो जूल पर मोल, और वन मोल मैग्नीशियम ध्यान रखिएगा मैं यहां नोट कर रहा हूं, वन मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम, ठीक है. और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम हैज एब्जॉर्ब्ड हाउ मच एनर्जी, 120 किलो जूल, इससे आपको निकालना है. सो सबसे पहले देखते हैं बेटा ई टोटल हमारा कितना आता है, ठीक है, या पहले हम इसके मोल्स बनाते हैं. मैग्नीशियम कितना गिवन है हमें, 2.4 मिलीग्राम ग्राम, ठीक है. चलिए तो मैग्नीशियम कितना गिवन है स्टार्टिंग से करते हैं, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम गिवन है. तो इसके जो मोल्स आएंगे, मास अपॉन मोलर मास 0.1 मोल, यानी मेरे पास अब जो मैग्नीशियम है वो कितना है 0.1 मोल. मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं कि मुझे मैग्नीशियम कितना गिवन था 2.4 ग्राम, ठीक है. तो उसके जो मोल्स आएंगे 2.4 अपॉन 24 0.1 मोल. सो मैंने अब तक डाटा ही लिखा है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. और एनर्जी सप्लाइड कितनी है बेटा, 120 किलो जूल. अब क्वेश्चन को समझिए कि 0.1 मोल मैग्नीशियम है वो Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये जो पूरा एक मिक्सचर है इसमें मुझे पता लगाना है कि Mg पॉजिटिव कितना परसेंट है और Mg2 पॉजिटिव कितना परसेंट है, ठीक है. यानी स्टार्टिंग में 0.1 मोल था तो इसमें से कितना Mg पॉजिटिव और कितना Mg2 पॉजिटिव. सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट. अब आप एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर जो वन मोल की एनर्जी है वो कितनी है 740 किलो जूल पर मोल, ये पर मोल है, ठीक है. तो 0.1 मोल के लिए ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिंपल मैं नोट कर रहा हूँ, 0.1 मोल के लिए जो एनर्जी हो जाएगी दैट इज 74 किलो जूल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 74 किलो जूल आपकी एनर्जी हो गई है, ठीक है. सो यहां पर अब कितनी एनर्जी बची, टोटल कितनी है 120. सो यहां पर डेल्टा आई एच टू आप इसको कह सकते हो 120 माइनस 74, दिस विल लेफ्ट इज 46 किलो जूल, ये बची. सिंपल लॉजिक, ठीक है, डेल्टा आई एच वन इतना लगा, ये डेल्टा आई एच टू. अब इसी से हम अंदाजा लगाएंगे मोल्स का, ठीक है. तो मोल्स का अंदाजा कैसे लगाते हैं, जस्ट सी आउट. अब Mg पॉजिटिव के मोल्स कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव ये निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगी, 40
6 किलो जूल, ठीक है। और इस एनर्जी से एमजी पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ, एमजी टू पॉजिटिव। सो टेक्निकली इतनी लगनी चाहिए, ये पर मोल में है, ये हमारी गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो गिवन क्वांटिटी, और इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 1450, सो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितने मोल्स के लिए वैल्यू आई है। फिर से समझिए, इतनी एनर्जी मेरे को मिली यहाँ पर 46 किलो जूल, और ये पर मोल के लिए। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इस प्रोसेस में कितने मोल एमजी पॉजिटिव इधर कन्वर्ट हुआ है। सो ऑन डिवाइडिंग दिस इज 0.03 मोल, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने निकाली, 0.03 मोल यहां पर हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं, 0. क्लियर, ये यहां पर कन्वर्ट हुए। सो एमजी पॉजिटिव कितना बचा, ये तो उधर चले गए, मतलब आप इनको कह सकते हो दीज आर द, यू कैन से सिंपली द मोल्स ऑफ एमजी टू पॉजिटिव। सो एमजी पॉजिटिव कितना बचा, मोल्स ऑफ एमजी पॉजिटिव लेफ्ट। देखिए हमने स्टार्टिंग कहां से करी थी, अब कहां से हम स्टार्ट हुए थे, हम स्टार्ट हुए थे 0.1 मोल में से, उधर कितना चला गया 0.03। सो यहां कितना बचा, देखिए यहां 0.1, ठीक है, ये कितना 0.03, ये कितना 0.1। सो यहां कितना बचा, माइनस कीजिए, दिस इज 0.07 मोल्स। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एम जी पॉजिटिव कितना है, 0.07 मोल्स। तो अब टेक्निकली देखिए मैंने क्या किया, 0.1 मोल में से, ठीक है, 0.7 मोल एम जी पॉजिटिव और 0.07 मोल एम जी पॉजिटिव, 0.03 मोल एम जी टू पॉजिटिव। हमने ये कैसे निकाला, हमने डेल्टा आई एच टू की जो वैल्यू आई उसको टोटल पर मोल की वैल्यू से डिवाइड करके पता लगाया कि यहां पर इतने मोल्स, फिर माइनस करके इतने मोल्स। अब बेटा हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, थोड़ा एनर्जी को हटाते हैं यहां से, अब मोल्स मेरे पास आ चुके हैं, तो परसेंटेज ऑफ एम जी पॉजिटिव कैसे निकालोगे, देखिए परसेंटेज ऑफ एम जी पॉजिटिव, एम जी पॉजिटिव कितना है 0.07, स्टार्टिंग क्या था 0.1, इंटू 100 कीजिए कितना हो जाएगा 70%। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज ऑफ एम जी टू पॉजिटिव निकालोगे तो पहला मेथड 100 - 70 कितना हो गया 30%, दूसरा एम जी टू पॉजिटिव कितना है 0.03, स्टार्टिंग में कितना लेके चले थे 0.1, 100 से मल्टीप्लाई करो 30%। सो इट इज अ क्वाइट बिग न्यूमेरिकल, बट कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कैसे हमने काम किया। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, कंसेप्चुअल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। आई विल गाइड यू कि जब भी आप इस लेक्चर को देखो आप इसको 2 से 3 पार्ट में देखना, क्योंकि हैवी लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उस फैक्टर्स को देखिए, ठीक है। सेकंड, फिर जो मैंने न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट किया उसको देखिएगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स ऑल।